A very good morning. Hello student, I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you student? I hope you all are fine. Today I am teaching you EVS. Now I am going to take up chapter 4 deficiency diseases. तो ये chapter 4 आपके EVS के science portion का chapter 4 है, जिसका name है deficiency diseases. ओके, तो ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा. इसकी एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. ओके, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, आप अच्छे से समझेंगे, फिर आप इसे नोट करेंगे अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में, और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन वन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? आंसर वन है, अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन सर्टेन क्वान्टिटी एंड प्रपोर्शन, सो दैट द रिक्वायरमेंट फॉर कैलोरीज, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, अल्टरनेटिव न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स इज एडिक्वेट एंड अ स्मॉल प्रोविजन इज रिजर्व फॉर एडिशनल न्यूट्रिएंट्स टू एंड्योर द शॉर्ट लेंथ ऑफ लीननेस. तो क्या है जो बैलेंस डाइट है? उसमें हर काइंड ऑफ फूड्स है, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम हमारे पास जो जो चीज़ हमें चाहिए सब कुछ होता है, वो उसमें क्या होता है? बैलेंस डाइट. ओके, क्वेश्चन फोर टू है आपका, व्हाट आर द डेफिशिएंसी डिसीज. डेफिशिएंसी डिसीज क्या है? आंसर टू है, डिसीजेज आर कॉज्ड व्हेन वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डेली डाइट इन द राइट अमाउंट. दस डिसीजेज कॉज्ड बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर कॉल्ड डेफिशिएंसी. वो डिसीजेज होते हैं कि हमें जो वन और मोर न्यूट्रिएंट्स हमारे डेली डाइट में चाहिए वो एब्सेंट रहे, वो ना रहे उसमें, और वो डिसीजेज जो इनकी कमी से होते हैं वो डेफिशिएंसी डिसीजेज कहलाते हैं. ओके, आगे देखते हैं. क्वेश्चन थर्ड, हाउ कैन नाइट ब्लाइंडनेस बी क्योर्ड. नाइट ब्लाइंडनेस को हम कैसे सही कर सकते हैं, कैसे उसे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बिल्कुल से सही कर सकते हैं? तो आंसर थ्री है, विटामिन ए रिच फूड इंक्लूडिंग डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरेट, पोटैटो, डेरी प्रोडक्ट, बाइकोरेड, डूइंग आई एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग बिफोर यू गो टू बेड एंड एनी टाइम योर आईज आर टायर्ड कैन हेल्प इम्प्रूव योर विजन एंड स्ट्रेंथ योर आई मसल्स. तो विटामिन ए वाले जो हमें फूड होते हैं वो खाने चाहिए, आइस के एक्सरसाइज करनी चाहिए मॉर्निंग में, और इवन जब हमारी आईज मतलब टायर्ड हैं तब भी करनी चाहिए, जो कि हमें हमें विजन को अच्छा करती है और हमें आईज की जो मसल्स उनको स्ट्रेंथ देती है. ओके, क्वेश्चन फोर्थ है, व्हाट इज अनेमिया, हाउ इट इज क्योर्ड. अनेमिया क्या है, उसे कैसे क्योर कर सकते हैं? आंसर, अनेमिया इज अ लैक ऑफ ब्लड इन बॉडी, ब्लड की कमी हो जाना बॉडी में, विच इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, जिस आयरन की कमी से होता है. अनेमिया कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड विच इज रिच इन आयरन विथ विटामिन बी. हमें विटामिन बी वाले फूड खाने चाहिए जिनमें आयरन होता है. ओके, और मतलब आयरन होता है, इससे क्या होता है जो अनेमिया वो कंट्रोल हो सकता है, क्योर हो सकता है. ओके, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन फाइव है, हाउ इज कैल्शियम डेफिशिएंसी क्योर्ड. तो कैल्शियम डेफिशिएंसी क्योर्ड कैसे कर सकते हैं? तो आंसर फाइव, कैल्शियम डेफिशिएंसी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड विच रिच इन कैल्शियम लाइक शीशम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. तो कैल्शियम की कमी को कैसे दूर सकते हैं? हमें फूड खाने चाहिए जिनमें कैल्शियम होता है, जैसे शीशम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर थे आपके चैप्टर फोर साइंस के डेफिशिएंसी डिसीजेस. ओके, ये चैप्टर आपके ईवीएस के साइंस पोर्शन का चैप्टर फोर है, जिसका नाम है डेफिशिएंसी डिसीजेस. आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट करेंगे अच्छी राइटिंग में, और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इन्हें लर्न करेंगे. ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ.